आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक 12वां अध्याय वचन 1 से 16। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, तू विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो है परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं। इसलिए हे मनुष्य के संतान, दिन को बंधुआई का सामान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना, उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना। यद्यपि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं, तो भी संभव है कि वे ध्यान दे। इसलिए तू दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के समान अपना सामान निकालना, और तब तू सांझ को बंधुआई में जाने वाले के समान उनके देखते हुए उठ जाना। उनके देखते हुए दीवार को फोड़कर उसी से अपना सामान निकालना, उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठाकर अंधेरे में निकालना, और अपना मुंह ढांपे रहना कि भूमि तुझे न देख पड़े, क्योंकि मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए एक चिन्ह ठहराया है। उस आज्ञा के अनुसार मैंने वैसा ही किया। दिन को मैंने अपना सामान बंधुआई के समान निकाला, और सांझ को अपने हाथ से दीवार को फोड़ा, फिर अंधेरे में सामान को निकालकर उनके देखते हुए अपने कंधे पर उठाए हुए चला गया। सवेरे यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या इसराइल के घराने ने, अर्थात उस विद्रोह करने वाले घराने ने तुझसे यह नहीं पूछा, यह तू क्या करता है? तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान पुरुष और इसराइल के सारे घराने के विषय में है, जिसके बीच में वे रहते हैं। तू उनसे कह, मैं तुम्हारे लिए चिन्ह हूँ, जैसा मैंने किया है वैसा ही इसराइली लोगों से भी किया जाएगा। उनको उठकर बंधुआई में जाना पड़ेगा। उनके बीच में जो प्रधान है, वह अंधेरे में अपने कंधे पर बोझ उठाए हुए निकलेगा। वह अपना सामान निकालने के लिए दीवार को फोड़ेगा और अपना मुंह ढांपे रहेगा कि उसको भूमि न देख पड़े। मैं उस पर अपना जाल फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसे कसदियों के देश के बेबीलोन में पहुंचा दूंगा। यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा, तो भी उसको न देखेगा। जितने उसके सहायक उसके आसपास होंगे, उनको और उसकी सारी टोलियों को मैं सब दिशाओं में तितर बितर कर दूंगा, और तलवार खींच कर उनके पीछे चलवाऊंगा। जब मैं उन्हें जाति जाति में तितर बितर कर दूंगा और देश देश में छिन्न भिन्न कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परंतु मैं उनमें से थोड़े से लोगों को तलवार, भूख और मरी से बचा रखूँगा, और वे अपने घृणित कामों का उन जातियों में वर्णन करेंगे जिनके बीच में वे पहुँचेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।